ये कल दोपहर 12 बजे का मामला था कि हमारे 7 पुलिस पर्सनल ब्रिज सर्कल पर डिप्लॉयड थे। तो एक वाहन इको गाड़ी थी जिसका नंबर GJ19BA4176। उसमें तकरीबन 10 पैसेंजर सवार थे। तो हमारी जो लेडी पुलिस पर्सनल है उन्होंने व्हीकल को रुकवाया और उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे। क्वेश्चन किया कि ये ओवरफिल्ड है तो मतलब दिस इज़ नॉट एज पर द नॉर्म्स और ट्रैफिक वायलेशन है, जिसके लिए चालान लगेगा। यह सुनकर जो पैसेंजर्स थे वो उत्तेजित हो गए और उन्होंने जो चालान बुक थी उसको फाड़ दिया और लेडी स्टाफ के साथ बदसलूकी करी। इतने में पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल गया और हमारा एडिशनल स्टाफ आया। तो तब तक जो है एग्रेशन बढ़ गया था और जो पैसेंजर्स थे जिसमें जो ड्राइवर थे वो ड्रंक भी थे। उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी करी और जिसमें 4 पुलिस पर्सनों को माइनर इंजरीज आई। चूँकि ऑल्टरकेशन बढ़ गया था और थोड़ा एक्सेसिव फोर्स कुछ हमारे पुलिस पर्सनों ने भी यूज़ करी, जिसमें से 2 लोग भरत सोलंकी और विभूति जेठवा जो होमगार्ड्स हैं उनको ट्रैफिक ड्यूटी से हटा दिया गया है और एक इंक्वायरी PI नरेश पटेल के द्वारा इनिशिएट की गई है, जिसकी रिपोर्ट वो 2 दिन में सबमिट करेंगे। उसके बाद हम अप्रोप्रिएट कंक्लूजन पे पहुँच कर उचित कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोगों को अभी अरेस्ट किया है? अभी तक इंक्वायरी ऑनगोइंग है और एज सुन एज इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, जब हमारी जांच पर पता चला कि जो पुलिस पर हमला करने वाले थे वो गुनाहित इतिहास, उसका जो अमरेली जिले के थे उसका गुनाहित इतिहास है। अभी अभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि कुछ लोग जो हैं उसमें 2 लोग हैं उनके अगेंस्ट प्रॉमिस जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में FIR है।